पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र के जरिए पीएम मोदी से बंगाल की मदद करने की गुहार लगाई है। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी हालात खराब है। यहाँ आम मरीजों की हालात काफी खराब है। इस कठिन घड़ी में मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि वो बंगाल के साथ खड़े हों और बंगाल में ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाइयां, बेड और अन्य मेडिकल सुविधाएं देने का निर्देश दें। गौरतलब है कि देश के सभी विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कोविड-19 की स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। इसी हाल पश्चिम बंगाल में हालात को लेकर सबने चिंता और चेतावनी जाहिर की थी। 8 चरणों वाला पश्चिम बंगाल का लंबा विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। हर रोज संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर अब अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से गुहार लगाती आई है, लेकिन अब देखना होगा कि अधीर रंजन चौधरी के इस पत्र पर प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ पलटवार सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।